अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेल्स जो है वो कितने दिन बाद आती हैं, और जो है वीज़ा रेशो कब ठीक होगी, और आज रोमानिया एम्बेसी में कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, और उनमें से कितने रिजेक्ट और कितने स्टैम्प हुए हैं। तो सब भाई जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और एक सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात कि ये जो भाई ग्रुप्स में एक दूसरे से पूछते हो ना कि मतलब आपका इंटरव्यू किसी का हुआ है तो यार वो ग्रुप में जो है वो क्वेश्चन आंसर बताए, तो जो है वो आपने एक चीज़ ये भी आपने साथ लाजमी बोलनी है कि भाई आपका वर्क परमिट किस चीज़ का था। क्योंकि हो सकता है कि आप बाइक राइडर हों और वो अगला जिस जो इंटरव्यू दे के आया वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, तो ऐसे जो है बाइक राइडर के जो क्वेश्चन हैं वो अलग हैं और कंस्ट्रक्शन वर्कर के अलग हैं, सेम नहीं हैं। कुछ हैं जो सेम हैं लेकिन सारे सेम नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना एक दूसरे के मतलब आप अपनी तैयारी, यार सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है ना तो इंशाल्लाह ताला आपको तो वैसे ही पता है कि मतलब आप किस काम के लिए जा रहे हो, मतलब रोमानिया, और आपने मतलब रोमानिया क्यों सेलेक्ट किया। ऐसी जो है वो जवाब जो है अपने मतलब खुद से सेम जवाब जो है ना ज़्यादातर मतलब ऐसी मतलब कंपनियाँ एजेंसियाँ हैं जो मतलब लड़कों को प्रिपेयर करवाती हैं। अगर एक लाइन में ही लड़कों का इंटरव्यू आ जाए ना कि 8-10 लड़कों का एक साथ ही अगर उनका इंटरव्यू हो, वो एक 10 लड़कों से सेम सवाल कर ले वो तो सेम जवाब देंगे, तो वो जो है एम्बेसडर तो सोच में पड़ जाएगा ना कि ये सारे एक जैसे जवाब दिए जा रहे हैं। तो सब भाई जो हैं वो एक दूसरे से ज़रूर पूछ लिया करें कि मतलब आपका वर्क परमिट किस चीज़ का था सवाल पूछने से पहले। 12 को आज जो है तकरीबन एक भाई का जो है उसका था 8 मई का पासपोर्ट, तो आज 12 है, उसको 1 मंथ और 4 दिन बाद उसका पासपोर्ट वापस मिला और उसका माशाल्लाह से वीज़ा लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ भाई जो है वो ग्रुप्स में जो है ना वो या वैसे भी कहते हैं कि 1 मंथ से ऊपर जिसका दिन हो जाए वो समझे कि मेरा वीज़ा नहीं लगना, ये बात झूठी है। वीज़ा जो है वो आजकल रोमानिया एम्बेसी काम थोड़ा सा स्लो कर रही है, लेकिन जो है वो वीज़े का मैक्सिमम टाइम जो होता है ना वीज़े का वो होता है 45 दिन। 45 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जवाब देना होता है, चाहे 1 मंथ से ऊपर टाइम ले लें या एक मंथ से पहले दे दें। लेकिन ये बात झूठी है कि 30 दिन से ऊपर हो जाएं तो वीज़ा जो है वो नहीं लगता। पहली बात तो ये हो गई। तो जो है वीज़ा रेशो के बारे में हम अब बात करते हैं, तो वीज़ा रेशो जो है कि अगस्त तक नेक्स्ट मंथ जो है ना रोमानिया ने दोबारा शेंजन में आने के लिए अप्लाई करना है, जिस वजह से जो है वो वीज़े मेरे ख्याल से जो है ग्रुप्स में लोग बताते रहते हैं और जो है रोमानिया से भी लोग जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा। ये मैं कोई मतलब 100% अथेंटिक बात नहीं है, लेकिन जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त में रोमानिया ने दोबारा शेंजन में आने के लिए अप्लाई करना है, जिस वजह से जो है वो वीज़े थोड़े से कम लग रहे हैं। लेकिन अभी रोमानिया शेंजन में आएगा नहीं, तो अगस्त के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो वीज़ा रेशो ठीक हो जाएगी, क्योंकि रोमानिया ने अगस्त में अप्लाई करना है और उसने शेंजन में अभी आना नहीं, क्योंकि हम भाई जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जो और भी जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी किस्मत जो है वो रोमानिया जाना है सब ने। तो इंशाल्लाह ताला आप सब भाइयों से यही जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप यही दुआ करें कि अभी रोमानिया शेंजन में ना आए, क्योंकि जो पाकिस्तानी भाई जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो ईज़िली चले जाएँ, ठीक है। तो अगस्त के बाद जो है वो उम्मीद है कि वीज़ा रेशो ठीक हो जाएगा। और जो भाई ये सोच रहे हैं कि हमारा पता नहीं मतलब कि हमें हमारा काम लेट हो रहा है, हर अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई जो है हिकमत होती है। अगर आपका काम लेट हो रहा है, जिन भाइयों के अभी इंटरव्यू होने हैं वो अगस्त के बाद जाके उनकी जो है वो मेल्स आएँगी, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ना उनके वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके बाद मैं जो हैं वो ज़्यादातर वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट ही हो रहे हैं, उसकी मेरे ख्याल से तो जो है सुनने में भी यही आ रहा है कि तकरीबन ज़्यादातर दोस्त यही बता रहे हैं कि वीज़ा रिजेक्ट होने की ज़्यादा जो है वो यही वजह है कि मतलब अभी रोमानिया ने अगस्त में फिर से अप्लाई करना है शेंजन में आने के लिए। तो अगस्त के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो, क्योंकि रोमानिया में भी तो रोमानिया अभी शेंजन में नहीं आएगा, तो अगस्त के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो वीज़ा रेशो ठीक हो जाएगी। और इसी वजह से जो है वो अभी तक जो है वो ज़्यादा वर्क परमिट जो है वो रोमानिया से नहीं आ रहे,
जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है, मेरे भी जो दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तकरीबन उनको हो गए हैं 4 मंथ से ऊपर हो गए हैं, उनके अभी तक वर्क परमिट नहीं आए। उनकी वजह यही है कि जो है तो अभी रोमानिया ने शेंजन में आने के लिए अप्लाई करना है, इस वजह से उन्होंने काम जो है वो रोका हुआ है, थोड़ा सा स्लो किया हुआ है। तो जो मतलब भाई कहते हैं कि रोमानिया के वीज़ा नहीं लग रहा, ये झूठ है। अभी भी जिन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं, जिनके इंटरव्यू अच्छे हुए हैं माशाल्लाह से, उनके वीज़े लग रहे हैं। तो ऐसे जो है वो डिसहार्ट किसी की बातें सुन के ना हुआ करें आप। अल्लाह पाक के घर में दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, इंशाल्लाह ताला जो है वो सब भाइयों का, मेरी तो यही दुआ है मेरे समेत सब भाइयों का इंशाल्लाह ताला वीज़ा लगे। तो जो है अभी रोमानिया के जो है वर्क परमिट भी बंद हैं, तो जो भाई जिसका अभी वर्क परमिट आए तो वो भाई जो है वो किसी खास बंदे को, या मतलब जिसको जिस पे आपको ट्रस्ट है कि ये इसको हर चीज़ का नॉलेज है, तो आप जो है वो किसी या एजेंसी वाले पे अगर आपको ट्रस्ट है तो उसको आप जो है वो अपना परमिट ज़रूर चेक करवाया करें, क्योंकि रोमानिया के फेक वर्क परमिट भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है,